फ्रेंड्स, आ चुकी है यूएई पास की नई अपडेट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग जो है यूएई पास का अकाउंट बना सकते हैं आफ्टर अपडेट। जैसे कि आपको बताया कि यूएई पास का जब बस वहां पर लुक नया दिया, बाकी जो काम बिल्कुल सेम है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग जो है यूएई पास का अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। पूरी तफसील आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो तरफ चलते हैं। वीडियो तरफ जाने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अब्दुलरऊफ और आप देख रहे हैं ट्रस्टिंग चैनल ऑफ कश्मीरी। चैनल पढ़ने हैं को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मजीद इस तरह की नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, चेक करते हैं कैसे हम लोग जो है अपना यूएई पास का अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आपने करना क्या, आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यूएई पास का सर्च कर लेना और यहाँ पर अपना यूएई पास की जो एप्लीकेशन है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले इसका कलर और तरह का था, अभी थोड़ा डार्क हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर मैं चेंज किया है। उसके अलावा थोड़े से अंदर जो इसके फंक्शंस हैं वो अपडेट किए इन लोगों ने, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने जब आप लोग ओपन करेंगे, आपसे पूछेगा आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आपने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल वगैरह आएगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं और आपने करना के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है आपने नया अकाउंट बनाना है, तो आपने करना क्या, यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोले क्योंकि आपने तीन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल आईडी स्कैन करनी है, उसके बाद आपने अपनी जो है डिटेल है वो वेरीफाइड करनी है, उसके बाद अपना जो अकाउंट है वो सिक्योर करना है। तो आपने करना क्या, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। आपने करना क्या, यहाँ पर आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो आपने करना है कि यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपने मेरी एक बात याद रखनी है, अगर आपकी ईमेल आईडी है, आपका वीज़ा वैलिड है, तो आप लोग यहाँ पर यूएई पास का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी वैलिड नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इसका अकाउंट नहीं बना सकते। तो आपने करना है कि यहाँ पर सिटीजन और रेजिडेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी स्कैन करने का बोलेगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपकी स्कैन करने का बोलेगा, तो आपने करना है कि यहाँ पर स्कैन के ऊपर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी की जो बैक साइड है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की आपकी ईमेल आईडी की जो बैक साइड होगी वो आपने कैमरे के सामने करनी है और आपकी ईमेल आईडी वो स्कैन हो जाएगी। जैसे आप लोग अपनी ईमेल आईडी स्कैन करेंगे, आपकी ईमेल आईडी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ईमेल आईडी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, सब पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने करना है यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल मांगेगा। आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पर अपनी ईमेल दे देनी है, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर लिख लेना है। जैसे वो ओटीपी लिखेंगे, उसके बाद आपके जो है ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद आपको बोलेगा कि आप अपना एक पिन लगाएं, जिस तरह आप अपने एटीएम कार्ड या बैंक कार्ड को एक पिन लगाते हैं 4 डिजिट का, उसी तरह आपने यहाँ पर एक पिन अपना जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पिन डालेंगे, आपका जो बेसिक अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बेसिक अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने करना कि आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपने करना क्या, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई नाउ के क्लिक पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर बोलेगा कि आपने अपना जो है फेस स्कैन करना है, उसके बाद आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा। आपने करना क्या, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी फेस वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। अपने मोबाइल को आपके फेस के सामने रखना है, जिस तरह आप लोग सेल्फी लेते हैं उस तरह आपने अपने मोबाइल को सामने रखना है, वहां पर ग्रीन होगा थोड़ी देर तक। उसके बाद आपका जो फेस है वेरीफाई स्कैन हो जाएगा और आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली पास द फेस वेरीफिकेशन, इस तरह का आ जाएगा। अब आपने करना क्या, आपने अपना जो है कि यूआई पास में पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के लिए आपने करना क्या, सेट माई साइनिंग पासवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड लगा लेना है, ठीक है। 6 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप उसके अंदर एक @ लगा लेना है, उसके बाद एक दो तीन गिनती के वर्ड लगा लेने हैं, इस तरह अल्फाबेट लगाकर आपने यहाँ पर जो है अपना एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड है वो सेट कर देना है। जैसे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो है यूएई पास का अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लर की हुई है कुछ चीज़ें ताकि ये पर्सनल है, आपको मैं ना दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेरीफाइड अकाउंट आपका लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ये यहाँ पर कहीं भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ लग गई होगी, किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप लोग इसकी यूएई पास की न्यू लुक भी दे सकते हैं किस तरह की होगी है। तो इस तरह आसानी के साथ आप लोग जो है यहाँ पर यूएई पास का अकाउंट बना सकते हैं। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।